मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वलकद सर्रफना फी हाज़ल कुरान लिन्नास मिन कुल्ली मसल। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर तरह की मिसाल को बार बार बयान किया है। बाज़ दफ़ा ये इश्काल होता है ना कि भाई अल्लाह ताला वही बातों को बार बार रिपीट करते हैं, वही जन्नत वही जहन्नम, फिर वही शैतान को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, फिर शैतान को दोस्त ना बनाओ, फिर ये कि जब तक अजाब अपनी आंखों से देख नहीं लेंगे ये उस वक्त तक ईमान नहीं लेकर आएंगे, वही मजामीन रिपीट होते हैं। तो अल्लाह कहते हैं सर्रफना, हम उन्हीं मजामीन को बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से, सर्फ का माना होता है फेरना, हम बार बार रिपीट करते हैं उनको, तो उसका तकाजा ये था कि मान जाओ तुम। लेकिन अल्लाह कहते हैं देखें जब एक बात को बार बार मुकर्रर बयान किया जाता है ना तो सामने वाला पहली दफ़ा में ना समझे, दूसरी दफ़ा में समझ जाता है, तीसरी दफ़ा में समझ जाता है। तो होना तो ये चाहिए था कि जब अल्लाह ताला बार बार मुख्तलिफ तरह से अपनी मजामीन को बयान कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो होना ये चाहिए कि पहली दफ़ा में नहीं, दूसरी दफ़ा में नहीं, तीसरी दफ़ा में इंसान समझ जाए। लेकिन अल्लाह इंसान से शिकायत कर रहे हैं, वकान अल इंसान अक्सर शय इन जदला, जितनी मखलूक़ात हैं ना उनमें सबसे ज़्यादा झगड़ालू इंसान है। झगड़ालू का मतलब हीलो हुज्जत करके हक का इनकार करना। तो जितनी मखलूक है ना ये एक तमसील है, क्या मतलब, जितनी दुनिया में मखलूक है अगर उसको कुछ समझ बूझ दे दी जाए और उसके सामने भी दलाइल पेश किए जाएँ तो इतना ढीठ कोई नहीं होगा ना मानने में जितना ढीठ इंसान है। वैसे तो अल्लाह ताला की आयात का मुखातब इंसान और जिन्नात ही हैं, इनके अलावा तो कोई है नहीं मुखातब जिसको अल्लाह ने मुकल्लफ बनाया, लेकिन ये एक मिसाल दी जा रही है कि इस कायनात में जानवरों को और जितनी भी मखलूक है अगर उसको दिमाग दे दिया जाए और उसको कुछ किसी हद तक इदराक दे दिया जाए, सोचने समझने की सलाहियत दे दी जाए, तो वो सब मान लेंगे अल्लाह की बातों को। लेकिन इंसान है जो इस तमाम मखलूक में सबसे बड़ा झगड़ालू है, यानी इंसान और जिन्नात भी उसमें दाखिल हैं ज़िम्न, कि ये नहीं मानता बल्कि इसी को ये ऐप बना के पेश करता है कि अल्लाह अपनी बातों को रिपीट क्यों कर रहा है, यानी इसी में झगड़ा करना शुरू कर देता है। तो वकान अल इंसान अक्सर शय इन जदला, ज़ाहिर है इससे सारे इंसान मुराद नहीं है, बहुत सारे इंसान इससे मुस्तस्ना भी हैं जो ईमान लेकर आए और नेक अमार उन्होंने इख्तियार किए, लेकिन अल्लाह ताला इंसान की एक आदत बयान कर रहे हैं कि इंसान बड़ा झगड़ालू है, रब कितने तरीक़ों से समझा रहा है मगर इसने फिर भी कुछ ना कुछ उसमें ऐप तलाश करना है और चूनो चिरा करके अल्लाह की बात माननी नहीं। अल्लाह ने कैसे समझाया ना पिछले रुकू में कि शैतान ने आदम को सरदे से इनकार किया, वो दुश्मन है तुम्हारा, वो जो तुम्हारे दिल में जो बुराई के ख्यालात आते हैं ये शैतान डाल रहा है, तो मत दोस्त बनाओ। लेकिन फिर भी देखें हम किस रास्ते को इख्तियार करते हैं, रब के रास्ते को छोड़कर। आगे अल्लाह फरमाते हैं वमा मनअन्ना सयुमिनु इज्जाहुमुल हुदा, इस आयत की मैं तफसीर बयान कर चुका हूँ कि जब लोगों के पास हिदायत भी आ गई फिर भी ईमान लाने से और तौबा इस्तिग़फ़ार करने से जो चीज़ रुकावट बन रही है वो सिर्फ ये चीज़ रुकावट बन रही है कि पिछली उम्मतों पे जो अज़ाब आए ना, जब तक वो अज़ाब ना आ जाएं या कोई दूसरा अज़ाब अपनी आंखों से ना देख लें उस वक्त तक ईमान नहीं लेकर आएंगे। तो ये एक बैरियर है, ये बैरियर जैसे ही उठ गया और अज़ाब आ गया तो सारे के सारे ईमान ले आएंगे। लेकिन अल्लाह कहते हैं हमारा काम क्या है, हम तो पैगंबरों को अज़ाब देने के लिए थोड़ी भेजते हैं, हम तो पैगंबरों को भेजते हैं खुशखबरियाँ सुनाने वाला और डराने वाला बना के। और काफिर लोग क्या करते रहते हैं, वो गलत दलाइल के ज़रिए युजादिलुल्लज़ीन कफरू बिलबातिल, वो बातिल के ज़रिए झगड़ा करते रहेंगे, लियुदहिदू बिहिल हक, ताकि हक को हटा दिया जाए, दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए। वत्तखदु आयाती वमा उन्ज़िरू, और जो मेरी निशानियाँ हैं चाहे वो आफाक आलम की निशानियाँ हों चाहे वो कुरान की आयात हों, और जिस अजाब से इनको डराया जाता है हुजुआ, इसको एक मजाक की चीज़ समझते हैं, इसको सीरियस नहीं लेते। वमन अज़लमु, फिर आगे अल्लाह इन काफिरों की बुराई बयान कर रहा है कि बताओ कि उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अपने रब की आयात को सीरियस न ले। मैंने बताया था ना वमन अज़लमु का मतलब क्या होता है, कुरान कहीं कहता है कि उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयात को चंद टकों के बदले में बेच दे, कहीं कुरान कहता है उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो ऐसा करे, कहीं कुरान कहता है उससे बड़ा जालिम कौन होगा। तो याद रखें ये जो कहा जाता है कि उससे बड़ा जालिम कौन होगा, ये आगे जिस जुर्म का जिक्र होता है ना तो मुराद ये होता है इस तरह के जराइम में सबसे बड़ा मुजरिम ये है।
اب جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو بیچتا ہے. کیا مطلب؟ جتنے بھی دنیا میں غلط بیچنے والے لوگ ہیں تو ان میں سب سے بڑا جو بیچنے والا, جو سب سے بڑا مجرم ہے نا, وہ ہے جو اللہ کی آیات کو بیچ ڈالے. یعنی اس بیچنے کی نوعیت میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, قرآن کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. کیا مطلب؟ جتنے لوگ بھی کسی پر جھوٹ باندھتے ہیں اور کسی کی طرف غلط بات منسوب کرتے ہیں سارے ظالم ہیں, لیکن ان میں اس جھوٹ باندھنے میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ کسی کو کسی بھی بات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ اس نصیحت پہ کان نہ دھرے تو وہ بھی ظالم ہے, لیکن سب سے بڑا ظالم وہ ہے جب اللہ نصیحت کر رہا ہو تو اس نصیحت پہ کان نہ دھرے, وہ سب سے بڑا ظالم ہے کیونکہ وہ خدا کی بات کو اگنور کر رہا ہے. تو یہ بھی آیت کا یہی مطلب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنَ ظَلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّ, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے. فَأَعْرَضْ عَنْهَا, وہ اس نصیحت سے اعراض کرے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, اور اپنی بدعمالیوں کو بھی بھول جائے وہ. یا تو ہوتا ہے نا بہت نیک عمل کر کے بیٹھا ہوتا, اپنے اس کو ضمیر بھی ملامت کر رہا ہے کہ میں برائیاں کر رہا ہوں, ان برائیوں کو بھی وہ بھول جائے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, واقعی یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جن کے دلوں میں ہم نے تالے ڈال دیے اس بات سے کہ وہ حق کو سمجھیں یا قرآن کو سمجھیں, اور ان کے کانوں میں بھی ٹاٹ ہیں. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ, اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے, فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا, اگر آپ بلائیں گے بھی تو یہ ہدایت نہیں حاصل کریں گے, یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, رہا یہ مسئلہ کہ پھر اے اللہ تو ان کو مار کیوں نہیں دیتا, تو بتا رہا ہے دھمکیوں پہ دھمکیاں دے رہا ہے, یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ نئی ہدایت لے کر آئیں گے, انہوں نے جانا جہنم میں ہی ہے, تو اللہ پھر ایسے لوگوں کو مار دے نا تو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وربک الغفور ذو الرحمہ, تیرا رب مغفرت کرنے والا اور رحمت والا ہے. کیونکہ دنیا میں جب عذاب آتا ہے تو سب پستے ہیں, اس نے کیا کیا ہے, اس مغفرت اور رحمت کی صفت کی وجہ سے عذاب کا ایک ٹائم متعین کر دیا ہے, جلد بازی میں وہ اس سے پہلے عذاب نہیں دے گا. کہ انسان جیسے جذبات سے مغلوب ہو کے کہتا ہے کہ بھئی دینا تو بعد میں تھا تو میں پہلے ہی دے دیتا ہوں, نا یہ اللہ اپنے اصول اور ضابطوں کو چینج نہیں کرتا. لو یؤاخذہم بما کسبوا, اگر اللہ ان کی بدعمالیوں پہ ان کو پکڑنا شروع کر دے, لعجل لہم العذاب, تو فوراً عذاب لے آئے, لیکن ایسا اللہ کرتا کیوں نہیں ہے. بل لہم موعد, ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے. لن یجدوا من دونہ موئلا, جب وہ وقت آئے گا تو پھر ان کو کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی. تو یہ چونکہ مکی صورتیں ہیں نا, میں نے بتایا تھا کہ مکی صورتوں میں شریعت کے احکام بہت کم ہیں. سورہ بقرہ میں, سورہ آل عمران میں, سورہ نساء میں, سورہ مائدہ میں آپ نے بہت سارے احکام پڑھے ہوں گے, لیکن مکی صورتوں میں زیادہ آخرت کی باتیں ہوتی ہیں, توحید کی بات ہوتی ہے, اور موت کے بعد زندگی کی بات ہوتی ہے, پیغمبر کی نبوت کی بات ہوتی ہے, انہی مضامین کو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے.